कई ऐसे भी वर्ग है जिन्होंने समाज में इतना अधिक भय उत्पन्न कर दिया कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत नहीं रखना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए, तो होम नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। अरे न करते 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 तुम भी कुछ करने लायक नहीं बचे, खुद अपनी दुर्गति करके बैठ गए। इनके सारे पूर्वज ब्रह्म राक्षस बन के कहीं जाकर उल्टे लटक रहे पेड़ों में, और वो ब्रह्म राक्षस फिर इनके माथे पे चढ़ गए और धर्म में अधर्म घुसा दिया। शंख तक बजाना बंद कर देगा, किन्नी शंख तो फिर हम वो नहीं बजा सकते, तो ये नहीं बजा सकते। और इतने ही अगर कोई विद्वान बनते हैं तो भाई कम से कम समाज के अंदर जो शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, आ जाओ मैदान में एक बार शास्त्रार्थ कर लो। लोगों के मन में जो प्रश्न है, आजकल तो लाइव सिस्टम है, इतना नेटवर्क व्यवस्था है, 10-20-50 विद्वान बैठ जाओ और शास्त्र में जो भी प्रश्न है, विद्वान आचार्य कोई उधर प्रवचन कर रहा है, कोई उधर कुछ बोल रहा है, कोई उसको अपनी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो कह रहा है कि ये सत्य, वो कह रहा है कि वो सत्य। अरे क्या सत्य है, लोगों को समझाओ तो सही। स्वयं तो बताना है नहीं, दूसरों को बताने देना नहीं, स्वयं खाना नहीं, दूसरों को खाने देना नहीं। आज की स्थिति में सनातन धर्म के लोग क्यों कर्तव्य विमूढ़ है, त्रिकाल संध्या तक बोल गए। किसी तरह से हमने चैनल के माध्यम से उनको षटकर्म करना बता दिया, षटकर्म करने लगे, लोगों को आत्मसंतुष्टि मिली, चलो भाई हम षटकर्म जानते हैं। श्राद्ध कर्म करना भूल गए थे तो चलो ऐसे नहीं ऐसे करो, हम तो यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं तो यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है तो पंडित नहीं है, तो फिर यहाँ ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, फिर ये नहीं तो वो नहीं, तो हमने सारे भी सुविधा बना दी। चलो भाई कम से कम करो तो सही। और उसके परिणाम लोगों के जीवन में दिखाई दिए, दिख रहे हैं कि हाँ हमने अगर जैसे भावना से यदि हमने अन्न जल वहाँ पे 6 थाली में रखा तो पितृगण आए, स्वीकार किए, अनुभूति दी, और उतना पर्याप्त है उनके लिए, तो उनको लग रहा है कि नहीं, तो सारे प्रश्न हमारे पास भेज रहे गुरु जी हम ओम लगा के जपे कि नहीं जपे, यज्ञोपवीत पहने कि नहीं पहने, बड़ी समस्याएं हैं, इसका समाधान कौन करेगा। केवल गद्दी पर आराम से बैठ गए, हाँ बेटा सुख प्रसन्न रहो, खुशी आशीर्वाद देने के लिए बैठे क्या, कि लोगों की जिज्ञासा और धर्म से संबंधित जिज्ञासा का शमन करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आपको धर्माचार्य आचार्य के पद पर बैठा जाता है। किसी को भी जब आचार्य पद पर बैठा जाता है तो वो धर्म से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए उनको आचार्य पद दिया जाता है, तब वो धर्माचार्य पद, नहीं तो धर्माचार्य किस बात के लिए। यज्ञोपवीत कौन पहन सकता है, गायत्री मंत्र महिलाएं कर सकती कि नहीं कर सकती है, गायत्री मंत्र करते समय या कोई मंत्र जप करते समय महिलाएं ओम बोल सकती कि नहीं बोल सकती है, हवन कर सकती कि नहीं कर सकती है, करिए ना चर्चा एक बार। क्यों लोगों को, समाज को, 100 करोड़ लोगों को बिल्कुल पेंडुलम की तरह इधर उधर डुलवाने के लिए रखे हैं। सच पूछा जाए, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन ये बात को स्वीकार करना, और इसका जो दोष इन्हीं धर्माचार्यों का है, सनातन धर्म के अनुयायियों को पेंडुलम जैसा बना दिया है, हिलता रहता है ऐसे ही, बस पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ कौन सी दिशा में जाना है। मेरा एक ही प्रयत्न है कि जो धर्म से विमुख हो गए हैं वो लोग कम से कम धर्म की तरफ आए, अन्यथा कल यही लोग जब धर्म से विमुख होंगे, इनके साथ परेशानी या समस्या जब खड़ी होगी, जब तुम समाधान नहीं दे पाओगे तो वो भी फिर कहीं पर चर्च में जाके अपने ऊपर पवित्र जल छिड़केंगे, फिर तब तो तुम लोग वहां पे मौन हो जाओगे, फिर वही कहीं पर हरी चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं, फिर कहीं पहुंच जाते हैं, फिर किसी मजार पे पहुंच ही रहे हैं लोग, पूरा समाज भटक चुका है, स्वयं भटक चुके लोग, जो दूसरों को धर्म का ज्ञान उपदेश देते थे वो लोगों की भी बुरी स्थिति। इसका समाधान ये है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, स्वयं करो, हमने जितना दायित्व निभा सकते थे आपके लिए कर सकते थे, जो बता सकते थे हमने बता दिया है। कई लोगों को अनुभूतियां नहीं होती थी, हमने बजरंग बाण करवाया, करो, ऐसे नहीं ऐसे विधान होते, 100 पाठ करो, क्यों नहीं अनुभूति होगी, हो रही है अनुभूति, काल भैरव अष्टक पढ़ो, लोग भयभीत हो गए थे घरों में, काल भैरव नहीं जप सकते, मैंने कहा कि तुम करो, शंकराचार्य की शंकराचार्य जो उनके द्वारा रची थी, पढ़ा, लोगों ने अनुभूतियां हो रही, लोगों को लाभ हो रहा, अब समझ में आ रहा है शास्त्र क्या है। कई लोग कहते नहीं यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे तभी यह सब करेंगे, ठीक है शास्त्र में लिखा है ऐसा हम भी मानते, तो कराऊंगा यज्ञोपवीत संस्कार, क्या समस्या आ रही, तुम लोगों ने क्यों नहीं करवाया, तुम स्वयं कर रहे हो, अपने संतानों का तो यज्ञ तो शिखा सूत्र उखाड़ के फेंक दिए, ये स्थिति हो गई है समाज की। इसलिए समाज को इस विषय में सोचना पड़ेगा,
कि बिल्कुल ही अगर आप चाहते हो कि सब लोग सनातन धर्म के जो कर्मकांड है वो बिल्कुल उसको बिल्कुल त्याग ही दे, घर में त्रिकाल संध्या ही भूल जाए, तर्पण करना ही भूल जाए, वो तो भूल ही गए हैं, यदि वो सीख जाएगा तो किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए। घरों में दुनिया भर के अशास्त्री देवी देवताओं के स्थापित किया जा रहा है, कोई पिशाची नहीं, कम से कम लोग कर रहे हैं, षट कर्म कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो करने दीजिए। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो कम से कम धर्म के साथ जुड़े तो रहेंगे, सनातन धर्म परंपरा का पालन तो करेंगे। और यही लोग कहीं विधर्मियों के माया जाल में, मोह जाल में, किसी तरह से षड्यंत्र के जाल में फंस कर यदि हो ही रहा है ऐसा, देखना क्या है, कई राज्य हमारे हिंदू विहीन हो गए हैं, पूरे राष्ट्र की स्थिति बनती जा रही, और इस बात का किसी को कष्ट नहीं है।